हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th PCM सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, अनसॉल्व्ड यानी भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व्ड है 2019 का सेट नंबर 3 का भाग नंबर 6 आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके पहले हमने 5 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका ये अंग वाला, जो कि पहले हम आपको इसके बाद पहले वाले वीडियो में उसको घर तक कम्प्लीट कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर अंग से बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोला गया है अंग में, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से, ठीक है, संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए, जहां P Q R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे और प्रूफ करके भी इसको बिल्कुल अच्छे से हम दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध P Q R तथा S श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ किए जाते हैं? वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ किया गया है, तो आइए हम फिगर को समझाते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें P Q R S, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रतिरोध, ठीक है, PQRS जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और किस आकृति में है? वर्गाकार आकृति में। देख रहे हैं आप लोग, ये वर्गाकार आकृति है ना, तो इसमें संयोजित किए गए हैं। तो आगे देखिए, जब ध्यान से आगे सब बताया जा रहा है, जब व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, में चतुर्भुज ABCD रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित धारा मापी किए जाए कि सेल की कुंजी K1 तथा धारा मापी कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो, तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो कब कहा जाता है? तो इस प्रकार जो आकृति बनती है, तो चतुर्भुज जो ABCD होती है चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं कि सेल कुंजी K1, ठीक है, कुंजी K1 तथा धारा मापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर, दोनों बंद कर दिया जाए तो धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, ठीक है। तो इस दशा में सेतु कैसे होता है? संतुलित अवस्था में होता है, तो कहा जाता है, ठीक है, संतुलित अवस्था में कहा जाता है। तो इस, ये तो बता दिए हम आपको। आगे देखिए, सेतु की संतुलित अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं, अर्थात देखिए, P/Q = R/S, तो यही हमको क्या करना है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। आइए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो चलिए ध्यान समझिएगा। तो ठीक है, ये देखिए फिगर इसका। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम शून्य विक्षेप की स्थिति में लाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको शून्य विक्षेप की स्थिति में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अब ये शून्य विक्षेप की स्थिति में कैसे करेंगे हम,
तो ये जो आपका फिगर देखिए पहले, ठीक है ठीक है, ये हो गया आई वन पी और ये हो जाएगा आई वन क्यू, ये वन रहेगा ठीक है, आई वन हो गया और ये आई टू आर है और ये आई टू एस है, तो ये आई टू ये आई आई वन ठीक है, मतलब आई वन आई वन ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, शून्य विक्षेप की स्थिति जब लाएंगे तो लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, तो इसको लिखा जाएगा आई वन पी ठीक है, आई वन पी माइनस, ध्यान से देखिए ये लिखे हम आई वन पी माइनस, अब क्या करेंगे आई टू आर इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या आई टू आर ठीक है इज इक्वल टू जीरो, हम इसको शून्य विक्षेप की स्थिति में ला रहे हैं। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब हम यहां से निकालेंगे I1, सॉरी यहां I1 रहेगा ठीक है, I1 तो यहां हो जाएगा I1 P इज इक्वल टू, जब ये माइनस में है उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 R ठीक है, जब ये I2 R हो जाएगा तो हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर एक हो गया, अब वैसे ही हम क्या करेंगे I2 Q वालों को लाएंगे, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा ठीक है, तो ये I1 P वाला हो गया और I2 R वाला हो गया, अब इधर लेंगे I1 Q और I2 S ये वाला लेंगे ना, तो देखिए जब लेंगे तो क्या हो जाएगा I1 Q ठीक है, I1 Q ध्यान से देखिए, तो यहां हो जाएगा I1 Q माइनस I2 S हो जाएगा, देखिए इसके नीचे दिया है ना I2 S, तो यहां लिख देंगे I2 S आई टू एस हो गया इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे आई वन क्यू इज इक्वल टू ये प्लस माइनस में है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे आई टू एस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो ठीक है, तो ये समीकरण एक हो गया ये समीकरण दो हो गया, तो अब हम लिखेंगे समीकरण एक में दो से भाग देने पर ठीक है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, चलिए अब हम समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देंगे, तो पहले समीकरण एक क्या है ये देख लीजिए ठीक है ना। चलिए तो समीकरण एक आपका है I1 P ठीक है, I1 P इज इक्वल टू क्या दिया है I2 R ठीक है, ये हो गया। अब बट्टे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 Q ठीक है, समीकरण नंबर दो से लिख रहे हैं, और यहां हो जाएगा I2 S हो जाएगा, ये I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, आपका बच जाएगा P बट्टा Q ठीक है इज इक्वल टू R बट्टा S, यही हमको सिद्ध करना था, तो आप यहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है, समझना ये है कि इसमें जो कहा जा रहा है बस वही लिखना है, उसके बाद अपने से सिद्ध कर देंगे ठीक है। तो कैसे करेंगे हम आपको करके दिखाए हैं, दोनों को शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते हैं, उसके बाद हम उसको समीकरण एक मानते हैं, उसके बाद उसे भाग दे देंगे, तो इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, तीन नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया था तो हम इसको समझा दिए ठीक है ना। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसको हम हल करते हैं ठीक है। चलिए तो देखिए, तो हम आपको ये क्वेश्चन बता दिए, बाकी ये सब भी समझाए थे आपको ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने का हमारा ये रीजन था कि एक स्टूडेंट बोला था कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए हम उसको बता दिए, उन्होंने बोला था कि बता दीजिए ठीक है, तो हम उसको बता दिए, तो बाकी तो आपको ये सब समझाए ही है हम ठीक है ना। चलिए तो अब बात करेंगे पचवे की, कह तो ये भी बता दिए थे, ये अनुनादी वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए हम आपको क वाला समझा दिए, आप अपने से कर लीजिएगा, बाकी ख हम आपको बताएंगे, तो आइए देखिए ख क्या है उसको हम बताना प्रारंभ करते हैं ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ख में जो बोला जा रहा है हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे।
तो ध्यान से देखिए, हम निकालेंगे पहले अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक हम आपको पहले निकाल के दिखा देंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, ये आपका डेफिनेशन है, ये आपको मिल जाएगा। तो आइए हम इसको समझा देते हैं, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व यल, प्रेरकत्व को यल से दिखाते हैं, ठीक है, धारिता सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परिपथ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये कौन सा परिपथ है, एल सी आर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये एल सी आर परिपथ बना क्यों, ये क्या है, एल है, मतलब यल क्या, प्रेरकत्व, ठीक है, और ये क्या है, धारिता है, ठीक है, धारिता हो गया सी, धारिता संधारित, इसको कहते हैं संधारित्र या धारिता कहेंगे, आर, आर मतलब प्रतिरोध, तो हो गया एल सी आर, ठीक है। तो कौन सा परिपथ हुआ, एल सी आर परिपथ हो गया, ठीक है। तो एक चीज हमको पता है, आपको भी पता होगा, भी बराबर क्या होता है, भी जीरो साइन ओमेगा टी, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, परिपथ की बात करेंगे हम, ठीक है, तब परिपथ परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। तो परिपथ की प्रतिबाधा हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको करेंगे एक्सप्लेन, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका हो गया प्लस है तो प्लस एक्स एल, ठीक है, एक्स एल माइनस एक्स सी, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा एल माइनस एक्स सी को लिखेंगे वन अपान ओमेगा सी, ये होता है, अगर आपको पता नहीं है तो जान जाइए, ठीक है, इसके स्क्वायर, ये हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी तथा परिणामी धारा आई के बीच कलांतर फाई हो तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, हम यहां पे लिख सकते हैं यदि, ठीक है, यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी तथा परिणामी, ठीक है, परिणामी धारा क्या हो, परिणामी धारा आई, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, परिणामी धारा आई हो, ठीक है, परिणामी धारा आई के बीच हो, नहीं के बीच कलांतर फाई हो तो क्या होगा, ध्यान से, जब ये इसके बीच होगा तो ये हमारा हो जाएगा tan phi, ठीक है, tan phi इज इक्वल टू एक्स एल, ठीक है, माइनस एक्स सी हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा आर, ठीक है, तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, ध्यान से देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्स एल की जगह लिख देंगे ओमेगा एल, ठीक है, और माइनस एक्स सी की जगह लिख देंगे ओमेगा सी अपॉन आर लिख देंगे, तो ध्यान से देखिएगा, तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, तो ये इसके आगे हम लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करेंगे, ओमेगा एक्स, जो एक्स एल है वहां पे रखेंगे ओमेगा एल, तो यहां लिख देंगे ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन ओमेगा सी,
ठीक है, ये हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, समझना क्या है चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो समझिए, तो यहां बोला जा रहा है यदि परिपथ का प्रेरण प्रतिघात XL, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात क्या हो XL हो तथा धारितीय प्रतिघात XC हो, सॉरी XC हो नहीं XC के बराबर हो, ठीक है, तो जो प्रेरण प्रतिघात XL है वो धारितीय प्रतिघात यानी XC के बराबर हो तब वोल्टेज भी व धारा I समान कला में होंगे। समान कला में होने का मतलब फाई बराबर जीरो, ठीक है। इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा जेड, जो प्रतिबाधा जेड है न्यूनतम आर होगी, ठीक। तो समझिएगा इसमें बोला क्या जा रहा है, ध्यान से समझिएगा फिर से। तो जब ये जो प्रेरण प्रतिघात XL धारिती प्रतिघात के बराबर होगा तो जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे, जब समान कला में होंगे तो फाई बराबर जीरो हो जाएगा। इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा जो जेड है वह न्यूनतम आर होगी तथा धारा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर अधिकतम होगी, ठीक है। आज जो धारा है वो क्या हो जाएगा, वी बाई आर अधिकतम होगी, यही अनुनाद की स्थिति है। तो ये किसकी स्थिति है, अनुनाद की स्थिति है। अतः अनुनाद के लिए, ठीक है, तो अनुनाद के लिए क्या होगा समझिएगा, अनुनाद के लिए हो जाएगा एक्स एल, ठीक है, माइनस सॉरी बराबर एक्स सी। तो ये हम आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहां पे बोला जा रहा है ना, तो एक्सएल और बराबर हो जाएगा एक्सी के, तब क्या होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है आपको, चलिए तो हम आपको दूसरे पेज पे करके दिखाते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो एक्स एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के आगे हम करके आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो जो एक्स एल है उसको हम लिख देंगे क्या, अब लिखेंगे ओमेगा एल, ठीक है, एक्स एल को लिख दिए ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी एक्स सी को लिखेंगे वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहां से डब्ल्यू मतलब ओमेगा का मान निकाले केवल, ठीक है, तो समझिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ओमेगा सॉरी एल सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, एक फार्मूला को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। तो ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई एफ, ये होता है, अगर हमको यहां से एफ की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, तो जब हम एफ की वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो ये ओमेगा ऊपर रहेगा और ये जो टू पाई एफ है कहां आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पाई, ठीक है। तो एफ बराबर इतना आएगा, तो हम एफ बराबर इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इससे बात करेंगे, सिर्फ इस फार्मूले से भी बात करने जा रहे हैं, तो यहां पे समझिएगा आप लोग क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन टू पाई, ठीक है। चलिए तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अगर हम देखा, अगर इसको देखा जाए तो इसका मान आएगा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। जब इसको हम इस फार्मूले से रिलेट करके हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यही हो जाएगा आपका क्या, एलसीआर पर परिपथ, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अगर ये वीडियो आपका आपको अच्छा लगता है और पसंद में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।